हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवलिंग तड़का। हम्पी, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जाना जाता है, वो 14 सेंचुरी में विजयनगर राज्य की राजधानी हुआ करता था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के पास एक भव्य, दिव्य और समृद्ध शहर था। हम्पी वही स्थान है जिसे महाकाव्य रामायण में किष्किंधा के रूप में दर्शाया गया है। हम्पी में आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स देखने मिलेंगे। इन सारी प्लेसेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है, सो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। पहले दिन की शुरुआत हमने विरूपाक्ष टेम्पल विजिट करके की। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का सबसे पुराना और प्रमुख मंदिर है। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है और ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। विरूपाक्ष मंदिर टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों द्वारा पसंद किया जाता है। इस मंदिर में लक्ष्मी हाथी है, जिसका आशीर्वाद लेने के लिए भी लोग आते हैं। यहाँ शिव भक्तों द्वारा वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए यहाँ कई मात्रा में भीड़ जमा होती है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 7वीं शताब्दी में अपनी स्थापना के बाद से अब तक बिना किसी रुकावट के काम कर रहा है और ये भारत के सबसे पुराने कामकाजी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के शिखर की प्रतिमा आपको मंदिर में उल्टी दिखाई देती है। आज भी कई साइंटिस्ट इस रहस्य की खोज कर रहे हैं। विरूपाक्ष टेम्पल से कुछ ही दूरी पर है एक शिला नंदी मंदिर, जिसे एक ही अखंड पत्थर में बनाया गया है। ये नंदी वास्तुकला का एक विशाल और प्रभावशाली नमूना है। ये विरूपाक्ष बाजार हम्पी में स्थित है। स्थानीय लोग इसे येदुरु बसवन्ना या नंदी कहते हैं और ये भगवान शिव के वाहन है। एक शिला नंदी से 500 मीटर की दूरी पर है कोरैकल राइड पॉइंट। कोरैकल पॉइंट जाते वक्त आपको कई सारे लोकल स्टॉल्स दिखाई देंगे। यहाँ से चलते चलते हम 10 मिनट में कोरैकल पॉइंट पहुँच गए। यहाँ एक बोट में आप 4, 6 या 8 लोग बैठ सकते हो। यहाँ हाफ आर और 1 आर की राइड आप कर सकते हो। पुराने समय में हम्पी के लोकल लोग इस बोट का यूज तुंगभद्रा रिवर क्रॉस करने के लिए करते थे। इस एरिया में आपको परशुराम मंदिर, माता सीता मंदिर, शेषनाग जी का मंदिर दिखाई देगा। यहाँ नेचुरल एसी पॉइंट भी है, जो इस राइड का सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ से आपको बैलेंस स्टोन भी दिखाई देता है, जो कई सालों से इसी स्थिति में यहाँ मौजूद है। ये नाव सवार आपको इस प्लेस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताते हैं। कोरैकल राइड करना अपने आप में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। इस राइड में आपको बोट स्पिनिंग का एक्सपीरियंस दिया जाता है, जो कि बेहद कमाल का होता है। कोरैकल बोट पॉइंट से 200 मीटर की दूरी पर ही है श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी का टेम्पल। हम्पी का और एक मेन अट्रैक्शन है यंत्रोधार का हनुमान टेम्पल। इस जगह की ये मान्यता है कि श्री व्यास राजा जी हनुमान जी की पूजा करते थे और हनुमान जी प्रकट हुआ करते थे, पर पूजा पूरी होने से पहले ही वो गायब होते थे। ऐसा लगातार 12 दिन चला और 12वें दिन हनुमान जी प्रकट हुए और उन्हें व्यास राजा ने षटकोण चक्र में काबिज किया। पूरे भारत में आपको हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन सिर्फ इसी जगह आपको हनुमान जी बैठे हुए यानी योग स्थिति में दिखाई देंगे। हनुमान टेम्पल देखने के बाद हम आगे बढ़े हेमकुटा हिल की ओर। हेमकुटा हिल जाते वक्त आपको कडले कालू गणपति मंदिर दिखाई देगा। ये गणेश प्रतिमा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है और ये एक ही पत्थर में बनाई गई है। इस मूर्ति की हाइट 24 फीट है। इसी टेम्पल के नजदीक है ससिवे कालू गणेश टेम्पल। इस मूर्ति की हाइट 8 फीट है। गणेश जी के पेट पर आपको नाग बांधा हुआ दिखाई देगा। गणेश जी के दर्शन करके हम पहुंच गए हेमकुटा हिल। ये हिल सनसेट पॉइंट के लिए जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से पूरा हम्पी दिखाई देता है। यहाँ से आप मातंग हिल, अंजनाद्री हिल, ऋषिमुखी हिल देख सकते हो और विरूपाक्ष टेम्पल का पैनोरामिक व्यू आप हेमकुटा हिल से दिखाई देता है। यहाँ से आपको काफी बड़े बड़े पत्थर देखने मिलेंगे और ये एक फोटो पॉइंट भी है। हेमकुटा हिल से 5 मिनट की दूरी तय करके हम कृष्णा टेम्पल पहुंच गए।
ये उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां स्तंभ की दीवारों पर महाकाव्य की कहानियां बनाई गई है। ये काफी हद तक विजयनगर काल के मंदिर का एक आकर्षक नमूना है। ओडिशा के राजा गजपति से जीत की खुशी पर कृष्णदेव राय जी ने यह मंदिर 1513वीं शताब्दी में बनाया था और इस मंदिर में कृष्णदेव राय राजा ने बाल कृष्ण की मूर्ति स्थापित की थी। ये मंदिर द्रविड़न शैली में बनाया गया है। मंदिर परिसर में यज्ञ मंडप, महामंडप, गोदाम, सभा मंडप और सालू मंडप है। कृष्ण टेम्पल देखने के बाद हमने विजिट किया उग्र नरसिंह टेम्पल। इसी के नजदीक है बड़ावालिंगा टेम्पल जो कि भगवान शिव जी का स्थान है। शिवलिंग पर तीन नेत्रों का चिन्ह बना हुआ है। ये त्रिनेत्र चिन्ह भगवान शिव को दर्शाता है। बड़ावालिंगा के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए भूमिस्तर शिव टेम्पल जो प्रसन्न विरूपाक्ष टेम्पल से भी जाना जाता है। इस मंदिर के चारों ओर आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। ये मंदिर 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मंदिर भगवान शिव के अवतार प्रसन्न विरूपाक्ष को समर्पित है। इसी मंदिर में राजा कृष्णदेव राय अपने परिवार के साथ पूजा करने आते थे। हैरानी की बात तो ये है कि मंदिर का गर्भगृह साल भर स्थिर पानी में डूबा रहता है। मानसून के मौसम के दौरान जून से अगस्त तक पानी का स्तर मंदिर के अंदर कई मात्रा में बढ़ जाता है। भगवान शिव के दर्शन करके हमने विजिट किया लोटस महल। लोटस महल एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल को दर्शाता है और ये दो मंजिला स्ट्रक्चर में बनाया गया है। ये 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके डोम पे कमल की नक्शी बनाई हुई है, इसलिए इसे लोटस महल बोला जाता है। लोटस महल के परिसर में ही एलिफेंट स्टेबल यानी हाथी अस्तबल है, जिसका उपयोग विजयनगर साम्राज्य के शाही हाथियों को यहां आराम करने के लिए रखा जाता था। और इसके बाद हमने विजिट किया आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। लोटस महल से 100 मीटर की दूरी पर म्यूजियम है। यहाँ पर प्राचीन वस्तुकलाएं, शिल्प और उनके अवशेषों को जतन किया गया है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो आपको इसे विजिट करना चाहिए। लोटस महल और अन्य स्थानों को देखकर हम आगे बढ़ गए और कुछ ही दूरी पर हमने क्वींस बाथ हाउस विजिट किया। माना जाता है कि क्वींस बाथ हाउस का निर्माण अच्युत राजा ने विजयनगर साम्राज्य के शाही रानियों के लिए किया था और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। यह है महानवमी डिब्बा या फिर हाउस ऑफ विक्ट्री। ये हम्पी में स्थित सुंदर पत्थर का मंच है। इस भव्य मंच का उपयोग राजाओं द्वारा सेनाओं के परेड, युद्ध के खेल और महानवमी उत्सव के दौरान किया जाता था। यह है रॉयल पैलेस जो कि राजा महाराजाओं के स्नान हेतु बनाया गया था। इन सारे प्लेसेस को देख के हम आगे बढ़े हम्पी के सबसे महत्वपूर्ण स्थान श्री विजय विट्ठल टेम्पल की तरफ। विट्ठल टेम्पल मेन एंट्रेंस से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। विट्ठल टेम्पल का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था। ये टेम्पल अपने स्टोन चैरियट के लिए जाना जाता है, जिसे 50 रुपीज की नोट पर चित्रित किया गया है। ये टेम्पल अपनी असाधारण वास्तुकला और बेजोड़ शिल्पकला का प्रतीक है। यह हम्पी की सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में अद्भुत पत्थर की रचनाएं जैसे कि स्टोन चैरियट और अट्रैक्टिव म्यूजिकल पिलर्स हैं। इसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट हम्पी विजिट करते हैं। इस मंदिर में भगवान विट्ठल की प्रतिमा स्थापित थी जिसे उनके निवास स्थान हेतु बनाया गया था। यह मंदिर द्रविड़न शैली में बनाया गया है। मंदिर परिसर काफी बड़ा है और इस मंदिर के 3 प्रवेश द्वार हैं और इन प्रवेश द्वारों पर भी आप बारीक नक्शीकाम देख सकते हो। विट्ठल टेम्पल को विजयनगर के मंदिरों में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट माना गया है और वास्तव में ये मंदिर सबसे ज्यादा देखने जाने वाला मंदिर है। विट्ठल टेम्पल में मौजूद स्टोन चैरियट विजयनगर साम्राज्य की सबसे आश्चर्यजनक वास्तुकला का प्रतीक है। तो ये थी हम्पी की एक साइड जहाँ हमने हम्पी की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, टेम्पल, मॉन्यूमेंट्स देखे और हम्पी एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सानापुर जो हिप्पी आइलैंड नाम से काफ़ी फेमस है उसे एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।